कि केदारनाथ विधानसभा में की सीट खाली यांगो सब है कि शैला रानी जी आज हमारे बीच निचन ऊंग असमय जो देहावसान होया वेगा कारण से जो चुनाव हुए गया और आज ही चुनाव यहाँ का वजह से होना चाहिए। मैं ये मंच बटी ऊँ तभी श्रद्धांजलि देना चाहूँ वो हमारे बैंड से और कांग्रेस पार्टी के सदस्य भी रहे पहले तो ये मंच से भी मैं ऊँता बधा ऊँता है नमन करना चाहूँ ऊँता है श्रद्धांजलि देना चाहूँ कि आज भले हमारे बीच नहीं छा लेकिन उन जो जज्बा छो वो जज्बा और ये विधानसभा क्षेत्र का वास्ता उन मन में जो विचार छावा वो विचार आज भी हमारे बीच जिंदा छिना और उन विचारों तय अग्नि बढ़ोणु खुणी मीते पूर्ण विश्वास है कि आज ये घटनाक्रम में ही जय घटनाक्रम में कि जय जिक्र आदरणीय रावत जी करे कि और सब जगहों जो विधायक मृत्युहीन भारतीय जनता पार्टी उन परिवार टिकट देना लेकिन सिर्फ और सिर्फ केदारनाथ विधानसभा ये किस्म छा कि जब शैला रानी जी का बाद उनार घर बैठे टिकट नहीं मिले तो उनारी उनारी आत्मा भी आज मनोज रावत जी ते आशीर्वाद देने वाली की मेरा आशीर्वाद तुम्हारे दगड़ छे। आज मुख्यमंत्री जी आया छा बतेरी बात बोल के गिन और ये से पहले ये अगस्त मुनि मुआ के गई बतेरी घोषणा करके गिन लेकिन मैं पूछना चाहू छू आप लोग माध्यम से ये केदारनाथ विधानसभा के सभी सम्मानित मतदाताओं से मीन पूछना चाहू छू कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब शैला रानी जी जीवित छावा और जब तुम काम खुण छावा तो तब के लिए नहीं तुमने घोषणा पूरी कर दी ना तब के लिए नहीं करी तुम्हारा आज ये राजनीतिक मंडाण में तुम तो ये प्रश्न पूछे डाला कि तुम तब के लिए नहीं यू काम पूरा करी ना आज शैला रानी जी नहीं ना तो अपने चुनाव चित्र खुण तुम घोषणा करना छे आज तमाम वक्ताओं रहा ये केदार घाटी का तमाम साथियों रहा तमाम मतदाताओं रहा होटल वाला ढाबा वाला टैक्सी वालों को एक ही बात छ कि भाई वो आदमी कोच है जेल हमारी यात्रा था ये 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 पूरा सीजन में हमारी यात्रा थे बर्बाद करे वो आदमी कोच है और को हो सकत वो आदमी मैं पूछना चाहू छू आदमी को हो सकत कहेगा अंडर में कहेगा अंडर में जो निर्णय होया कि गुजरात बटी एक कंपनी आ ली और वो कंपनी रजिस्ट्रेशन काम कर ली और वही कंपनी रजिस्ट्रेशन कम काम करे कि लोग द्वितीय दिन तक लाइन ऊपर रहना और लाइन ऊपर रहना बाद उठे बरक लाएगा कि तुम एक बटी तरफ चल जा यात्रा है तरफ चलनी चाह उन्हें चल जा ये काम कल करे और प्रमाण क्या चाहिए आपने बता दो आज ये बात चुप चुप्पी से नहीं रह सके नम से ही कि हम ये क्षेत्र का आवाज उठाण से चूक जा ये क्षेत्र आवाज उठाण प्रत्येक केदारनाथ में बद्रीनाथ में और तुम्हारे ऋषिकेश बटी लेकर यक्ता का प्रत्येक आदमी की कर्तव्य छा ये भेदभाव के खिलाफ हम एक वहां और भेदभाव क्या चाह ये यात्रा भेदभाव चाह जो यात्रा जानबूझ कर डिस्टर्ब कर भेदभाव चा और ताजा उदाहरण यो चा कि गौचर बटी अर्चिने वाली सोड़ बटी नेगी जी सर्विस चल छा देर दून रोज बंद होएगा गौचर बटी हेलीकॉप्टर सर्विस छा नेगी जी बंद होएगा ना और ये ठीक ये बंद होने पर वह सर्विस का क्या और लगाएगा कि हम इंसान नहीं छा हम बिगड़ी भेदभाव के लिए होनू छा यहां होनू छा कि यखा नेता जो बीजेपी का नेता छिना जो ये सरकार अंग छिना उन रीढ़ में ताकत तीज खड़ होने की मुख्यमंत्री सामने इनका खड़ा बंदना इनका खड़ा बंदन मनोज रावत यहां ने चुनाव जीत का एक बार जान चढ़ू चा कि जो मुख्यमंत्री सामने खड़ो होकर रीढ़ खड़ करके बोल सको कि मुख्यमंत्री जी कौचर के साथ यह अन्याय नहीं होगा उत्तरकाशी के साथ यह अन्याय नहीं होगा हमें खुशी है कि आप अन्य जगहों पर हरी सेवाएं शुरू करें लेकिन वो अगर गौचर की कीमत पे होगा तो यहां का आम आदमी यहां का आम व्यक्ति आपके इस भेदभाव को स्वीकार नहीं करेगा। आज मुख्यमंत्री जी ला रावत जी आज मुख्यमंत्री जी लखमा से आके बोले अपनी सफाई में बोले अपनी सफाई में बोले कि केदारनाथ मंदिर जो बात से कि दिल्ली में बने आज अपनी सफाई में बोला ना कि बद्रीनाथ मंदिर वाल बंबई में बोल अरे भाई वो आदमी तो गिरफ्तार करो ना जेल बद्रीनाथ मंदिर बनाए बोल बंबई करो भाई गिरफ्तार अरे अगर और तुम जो चाहो तुम दो घुस के चाहो बरे जो अरु मंदिर पढ़ने छोड़ तुम चुप रहे अरे भाई जब हम सोने कि केदारनाथ बटी केदार शिला ले जाके धामी जी मुख्यमंत्री उत्तराखंड वही शिला तो ले जाके दिल्ली में जो शिलान्यास करना छा केदारनाथ धाम मोड़ना छा तो हम जक्षा से कांग्रेस जक्षावा तक किसी भी उन्हें बातों विरोध कर और अंत तो गता ये बातों विरोध केदारनाथ है जनतल करे और तब जाके वे पर कपड़ा पैर होना छिन
कि अब हम कैंसिल करने को बोले। अरे भाई ये क्या बात है कि पहले तुम हमार गौ काट जावा और बाद में मलम लोगों खुणा जावा, ये मलम नहीं चले रही। आज भू कानून पर भी वही बात करना सिन, भू कानून पर बना सिन कि हम कठोर कानून बनाएंगे। जो पहले कठोर कानून हमार बनाई छो वो इतने लचीरो कैल बनाया कि दामी जी छिना ये छिना। रामलीला में लक्ष्मण शेर था कि हाँ हाँ प्रतिघात अब होगा इंद्रासन वाले पापों का, सुर मंडल के मुनि मंडल के ग्राह मंडल के संतापों का, इसलिए संभल जा इंद्रजीत, इसलिए संभल जा इंद्रजीत। ये केदारनाथ विधानसभा चुनाव में जब गौ गौ जाए ना और जब असल मंडान बोलो तो आ जा बेटा मैदान में आ जा और देख लेना तब क्यों होगा, देख लेना तब। ये झूठ ये फरेब हर बार में झूठ चा, हर बात में फरेब चा। अब यू मु चुनाव जितने हूं एक ही रास्ता चल रही हूं मैं आपसे बताना चाहिए क्या कहना यूं कन यो चाहे कि द्वि दिनों खुणी केदारनाथ में कोई ना कोई मंडान लगो जरूर राजनीतिक मंडान लगो देख लें तुम कोई ना कोई इनादिम बुलाने ना कि जो द्वि दिनों मंडान केदारनाथ में लगा सकून अपने पाप धो सकून एक युकन। अरे एक युकन होना कि वह सक हमारे लोक में बैठी कहीं में भी कहीं पर भी कोई आरोप लगा दू जय ते देखा ला कि एक बहुत चलनी चाहिए बहुत बोनो चाहे वह पर कोई ना कोई आरोप लगा दू। लेकिन मैं जनता से ही निवेदन करना चाहू छो कि जनता ही बात समझो कि आजकल सिर्फ चुनाव में कहे आदिम तक कटघर में खड़ करना तो आज तक इनार डिपार्टमेंट इनार पुलिस का सीज है हर हर जगह। भाई मेरी बात सुना आज जो चाह बेरोजगारी की बात भाई मनोज राव झेल कर बेरोजगारी सातवां आसमान पर हम पहाड़ी लोगों को एकमात्र रोजगार भरोसेमंद यू हो छो कि हम फौज में भर्ती उला फौज नौकरी बंद होगी 80 सालों बूढ़े अपुगुण बनो छा कि मीता दे दिया एक मौका और हमारा भाई 18 साल अखुन 22 साल में बोलू कि तू सुखो चल जा घर ये अन्याय होनू छा और ये अन्याय थे केदारनाथ जनता सहन नहीं कर ली। मैं ये निवेदन कर चाहूँ मेरे प्यारे भाइयों मैं आप लोग का माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम केदारनाथ जनता में ये बात पहुंचाना चाहू छो कि मनोज रावत वो व्यक्ति छा जय व्यक्ति आज से 5 साल पहले विधायक रहते हुए वो मांग सदन में उठाई छे जय मांग पर कि आज तमाम तमाम लोग लामबंद होना छे और वो मांग छे प्रभावी भू कानून। यो आदिम प्राइवेट मेंबर बिल लाया ये व्यक्ति प्राइवेट मेंबर बिल लाया कि भाई योग ने खुद ठीक नहीं होना चाह जय व्यक्ति ये बात 5 साल पहले समझे छे एक सुयोग्य प्रत्याशी आज आप लोग का सामने छे तो मैं आप लोग से निवेदन करना चाहू छू आप विपक्ष की बातों में ना आके कोई बतेर बात कर दे कोई कुछ बोल रहा कोई कुछ बोल रहा लेकिन मैं आपसे बताना चाहू छू कि निहायत एक ईमानदार व्यक्ति जैल अपना स्वार्थों तो साइड में रख के निश्चित रूप में वही टाइम पर भी इन रहे बोलो कि जब मनोज रावत जी सदन में ही बात उठाना चाह तो वही टाइम पर बतेरे धरना से ड्राइवर बोला कि भाई तू ये बात तो न उठा लेकिन उन बोले कि नहीं मेरा मेरा जो धर्म चाह मिल वह धर्म निर्वहन कर और ये बात संसद में उठाए विधानसभा में उठाए और वेग एवज में वेग परिणाम स्वरूप आज तमाम लोग लामबंद होना चाहिए कि हम तो प्रभावी भू कानून चाहू छे। तो बहुत तो वक्त है ना आप लोग का बीच फेर वाला आप लोग का गांव तक वाला हर एक व्यक्ति जो भी मेरी बात सुनना चाह वे तो यह जवाबदारी चाह कि वो स्वयं तो मनोज रावत समझो मनोज रावत ये 20 मिनट टाइम में वही सकत का व्यक्ति तक नहीं पहुंच सको लेकिन आप लोग हम लोग सब लोग हर व्यक्ति तक पहुंच सकता और हमारा काम छ कि हमारा अपने रिश्तेदार में हमारा अपने यार आवते में अपने जान पहचानक में जख्मी जो लोग छे ना और जनर मन मन जो ढकचक होनु छ जनर मन ये रूप में छ कि कह देख के ढकचक होनु छ वो तो समझौन छ कि दूर तक ने देखा पहले नजदीक में देखा दूरो अणछावो दूर दूरो अणछावो और नजदीको पदंथरो अगर दूंगे तुलना कर लिया तो नजदीको पदंथर जात काम होंद। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूँ कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए।